प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सब जानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या कहता है, अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ थमा नहीं है और शायद थमेगा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल ये सिलसिला थमने के मिजाज में नजर भी नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाते उससे पहले ही उनके गठबंधन में यहां पर तकरार देखने को मिली, टकराव देखने को मिला और गठबंधन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। जिस समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यकों का हितैषी माना जाता था उस पार्टी पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगने लगा। इस बार उत्तर प्रदेश के करीब 95% मुसलमानों ने एक तरफ समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। सोच कर देखिए 95% मुसलमान जो थे वो इस बार अखिलेश यादव के वादों से पूरी तरह खुश हो गए, बसपा को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ दिया, वोट दिया तो समाजवादी पार्टी को। लेकिन चुनावी नतीजे आते ही यूपी के तमाम मुसलमान अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए। उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों ने कह दिया कि अखिलेश यादव को सिर्फ जब वोट लेने होते हैं तभी हमारी याद आती है। अगर यहां पर अखिलेश इतना ही मुसलमानों के बारे में सोचते हैं तो आजम खान के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया, आजम खान की रिहाई के लिए अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, आजम खान से मिलने सीतापुर जेल क्यों नहीं गए। मुसलमानों को लेकर, अपने रवैये को लेकर अखिलेश यादव चारों तरफ से सवालों से घिर गए और ऐसे परिस्थितियों के बीच में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। अखिलेश की चुप्पी सपा के तमाम मुस्लिम नेताओं को सुई से भी ज्यादा तेज चुभी और तमाम मुस्लिम नेता ताबड़तोड़ अपने इस्तीफों की बारिश करने लगे। आज हालात क्या है, आज हालात ये हैं कि आजम खान जेल से बाहर हैं लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक आजम खान से मुलाकात नहीं की है। आजम खान जेल से बाहर हैं लेकिन अब तक अखिलेश यादव ने आजम खान को जब जब फोन किया तो आजम खान ने अखिलेश का फोन नहीं उठाया है। किसी तरह की कोई बातचीत आजम खान नहीं करना चाहते, चुप्पी साध कर रखी है, अखिलेश के प्रति अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इस तूफान को भांप लिया है, नेताजी समझ चुके हैं कि शांति है, कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तो आजम खान का तूफान कहीं विपक्ष की भूमिका में भी सपा को बैठने लायक ना छोड़े, ये डर मुलायम सिंह यादव को सता रहा है और इसी डर से बेकाबू होकर अब नेताजी ने कमान अपने हाथों में ले ली है। शिवपाल यादव की यहां पर बगावत का किस्सा भी आप सब जानते हैं, किस तरह शिवपाल यादव जो थे सोच कर बैठे थे कि नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा लेकिन अखिलेश ने नजरअंदाज किया। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को धमकियां भी दी, कह दिया कि जो भाजपा के संपर्क में है सपा से बाहर चला जाए। शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव काफी ज्यादा सख्त टिप्पणी बीते काफी वक्त से कर रहे हैं और शिवपाल भी अखिलेश के बयानों का ताबड़तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, जिसके बाद अब हालात क्या हैं? अब हालात कुछ ऐसे हैं कि शिवपाल और आजम खान एक साथ हो सकते हैं। गौर हो कि गए तो सपा से भी कई नेता थे आजम खान से मिलने, लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया, मगर शिवपाल यादव से मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषक तभी समझ गए थे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है और अब अखिलेश यादव के खिलाफ आजम खान और शिवपाल यादव कहीं एक ना हो जाए, कहीं बेटे की ये सवरी हुई जो सियासी बाजी है वो हाथ से ना निकल जाए, नेताजी को ये डर सताने लगा है। अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत पर उतरी अपर्णा यादव को साधा नेताजी ने, शिवपाल यादव और आजम खान को साधने के लिए नेताजी क्या कुछ करने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव किस तरह कमान अपने हाथों में लेकर आगामी राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति बनाने वाले हैं, क्या कुछ नेताजी का रुख होने वाला है, सुनिए जरा। शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में सिर का दर्द बन सकती है। पार्टी के कई नाराज विधायक शिवपाल सिंह यादव के लगातार संपर्क में हैं। सहयोगी दल के नेता भी शिवपाल से मुलाकात कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी नाराजगी को खुले मंचों से जाहिर करना शुरू कर दिया है। इन सब के बाद राज्यसभा के चुनावों में अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। गौर हो कि 24 मई से प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आजम खान की रिहाई के बाद से यूपी का बजट सत्र भी काफी दिलचस्प होने वाला है। आजम अपनी खास भाषा शैली को लेकर काफी ज्यादा मशहूर हैं। जेल से निकलकर किसी पर भी आजम खान ने सीधे आरोप नहीं लगाया है।
लेकिन उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जुल्म उनके अपनों ने उन पर किए हैं। आजम के इन बयानों के पीछे कई तरह के सियासी संदेश छिपे हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें, अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का कहना है कि आजम खान ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी नहीं की। डैमेज कंट्रोल के लिए अब मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की कमान को अपने हाथों में ले लिया है। आजम खान से मिलकर मुलायम सिंह यादव सभी गिले शिकवे दूर करने वाले हैं। आपको बता दें, आजम खान कई मौकों पर बोल चुके हैं कि उनके नेता सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव हैं। सपा विधायक दल की बैठक से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने शिवपाल यादव ने दूरी बनाए रखी। आजम खान 10वीं बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। हमेशा से ही सपा के लिए संकट मोचक की भूमिका आजम निभाते रहे हैं। सरकार चाहे मुलायम सिंह यादव की हो या अखिलेश यादव की, आजम खान की हमेशा अपनी एक मजबूत भूमिका रही है। और फिलहाल हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आजम खान सीधे तौर पर अखिलेश यादव से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आजम खान ही विधानसभा की कार्यवाही में सपा का पक्ष आज तक रखते आए थे, लेकिन अब संबंधों में जिस तरह की दूरी देखने को मिल रही है, सवाल ये भी उठता है कि आजम खान खुद को इस विधानसभा सत्र में किस भूमिका के अंदर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को विधानसभा में महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेरने की रणनीति बनाई है, लेकिन आपको बता दें, रणनीति बनाने वाली बैठक में भी आजम खान और शिवपाल यादव दोनों ही शामिल नहीं हुए। फिलहाल के लिए आजम खान और शिवपाल यादव अखिलेश यादव की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहे हैं। और अब जो जानकारी सामने आई है, जिस तरह से आजम खान ने अखिलेश यादव का फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा, जिस तरह से आजम खान ने अखिलेश यादव को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, आजम की इन गतिविधियों से पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और अब मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते कि फिलहाल सपा, जो मजबूत विपक्ष की स्थिति में है, आजम और शिवपाल का साथ छूटे। इसलिए जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, आजम खान से मुलाकात मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं। आजम खान के साथ अखिलेश यादव के तालमेल बैठाने की एक कोशिश मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको ये जानकारी देते चले कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव एक्टिव हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने आप को ज़रा नर्म करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव आजम खान को लेकर बजट सत्र से पहले बयानबाजी करते हैं और कहते हैं, मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं विधानसभा सत्र में बैठूंगा। हालांकि आपको बता दें, आजम खान भी कहते हैं कि अखिलेश के साथ बैठना उनके लिए सम्मान की बात है। आजम खान अपने आप को भारत का माफिया नंबर वन बताते हैं। गौर हो कि जहां एक तरफ आजम खान ने विधायक पद की शपथ ले ली है, वहीं समाजवादी पार्टी में बिखराव की स्थिति अब भी कंट्रोल नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी शिवपाल और आजम की तर्ज पर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ आजम खान के तमाम समर्थक बयानबाजी कर रहे थे, फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है, आजम खान और शिवपाल यादव की तरह ही अब ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी राजभर का भी ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां ओपी राजभर ने ये खुले तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलकर जमीन पर उतरकर राजनीति करने की जरूरत है। तो देखा आपने किस तरह से आसान कुछ भी यहाँ अखिलेश यादव के लिए नहीं होने वाला है। अखिलेश अपने तेवर बदलने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ आजम खान और शिवपाल यादव अखिलेश यादव को इस बार सबक सिखाए बिना शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच में अपने बेटे के लिए राजनीतिक पिच मुलायम सिंह यादव कैसे तैयार करते हैं, आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल अखिलेश की मुश्किलों का सियासी सच क्या कहता है, हमने आपको बता दिया। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल के साथ
साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।